अस्सलामुअलैकुम सीसीटीवी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक की सरबराही में गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई। निजी रेस्टोरेंट पर चोरी की वारदात में मुलविस मुलजिम सरफराज गिरफ्तार, माले मसरूका बरामद। मुलजिम चंद रोज कबल रात की तारीकी में निजी रेस्टोरेंट से 4 लाख रुपए चोरी करके फरार हो गया था। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गाजियाबाद मोहम्मद अशरफ ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन मंसूर कमर की सरबराही में जौहर टाउन पुलिस की कार्रवाई। चोरी और नकबजनी की वारदातों में मुलविस इंशाह इकबाल नकबजन गैंग के 2 मुलजमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान से 4 लाख रुपए से जायद नकदी और 12 मोबाइल फोन बरामद, 4 लैपटॉप, 1 ऑटो रिक्शा और अलाते नकबजनी बरामद। मुलजमान ऑटो रिक्शे पर इलाके की रैकी करते और वारदात के बाद फरार हो जाते थे। मुलजमान थाना जौहर टाउन में 15 से ज्यादा मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। डीपीओ चिन्योट बिलाल जफर शेख का पुलिस लाइन खिदमत मरकज और पुकार 15 का विजिट। इंचार्ज पुकार 15 पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर सुलेमान मुमताज ने डीपीओ को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। विजिट के दौरान मुख्तलिफ ब्रांचेस के वर्क का जायजा लिया गया। डीपीओ बिलाल जफर शेख ने खिदमत मरकज में लोगों के मसाइल सुने। पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को खिदमत खल को अपना शायर बनाकर फराय सर अंजाम देने की हदायत। डीपीओ बिलाल जफर शेख ने कहा कि लोगों के मसाइल का हल और इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पुलिस अफसरान और जवानों की वेलफेयर के लिए तमाम मुमकिन इकदाम को यकीनी बनाएंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल मोहम्मद बिन अशरफ की हदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एसडीपीओ तला गंग सिकंदर गोंदल की सरबराही में एसएचओ थाना लावा आमिर शहजाद की शानदार कार्रवाई। एएसए मुदस्सर हुसैन ने मनशियात फरोश अब्दुल रजाक के कब्जे से 1 किलो 460 ग्राम चर्स बरामद की। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश का आगाज। थाना सदर उकाड़ा पुलिस की कार्रवाई। 2 मुलजमान आसिफ और सजावल के कब्जे से नाजायज असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजमान ने रॉबरी की वारदात करने का इंकशाफ भी किया। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.psca.tv।